अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अभी जो आज रिश्ता मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो है रिश्ता उन हमारे दोस्तों के लिए है, हमारे भाइयों के लिए है जिनकी उम्र 45 साल तक हो और वो चाहते हों पहली या दूसरी शादी करना। तो हमारे दोस्त मर्द हजरात जिनकी उम्र 45 साल तक है, वो ये रिश्ता ज़रा गौर से सुन लें। ये जो खातून है जिनका रिश्ता मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनकी जो उम्र है इस वक्त वो है 34 ईयर्स, 34 साल, यानी कि काफ़ी यंग उम्र है। तो ये जो लड़की हैं इनका नाम है रिमशा बीबी। तो रिमशा जो है, ये जो है लड़की हमारी बहन 34 साल उम्र है और एक तलाक़ याफ्ता लड़की हैं। इनके शोहर ने जो है इनको छोड़ दिया और ख़ुद जो है इन्होंने ख़ुद जो है उनसे जो है डाइवोर्स ली है, उनसे ख़ुद जो है अलहदगी इख्तियार की है। तो इसकी क्या वजह है ये हमें जो है बेसिकली नहीं पता कि असल वजह क्या थी इनकी जो है तलाक की। तो हमने पूछा भी नहीं क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, ये आपका काम है। अगर आप चाहते हो इनसे बात करना शादी के वक्त तो आप ख़ुद जो है पूछ सकते हैं। तो हमें जितना पता होता है हम आपको बता देते हैं। तो रिमशा जो है इनकी जो है तालीम जो है वो ये BA पास हैं, यानी कि 14 जमात पास हैं। मुसलमान हैं, फिरका सुन्नी है। इनकी जो कास्ट है ये मलिक आवान बरादरी से इनका ताल्लुक़ है। इस वक्त जो है ये जेहलम सिटी में रहती हैं अपने वालदैन के घर पे। खूबसूरत हैं, स्लिम हैं, अच्छी फैमिली से हैं, अच्छे ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। पहली शादी से बच्चे जो है इनकी एक जो है बेटी है, वो बेटी जो है इनके पास ही रहती है। तो इनके जो बहन भाई हैं, ये टोटल 5 बहन भाई हैं, तमाम शादीशुदा हैं। रिमशा जो है इनका नंबर तीसरा है। तो इनके जो वाली साहब हैं वो चाहते हैं कि दोबारा से अपनी बेटी की शादी कर दी जाए ताकि वो अपने घर की हो जाए और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो रिमशा जो है हमारी बहन, इनकी एक शर्त है कि शादी के बाद इनकी जो बेटी है वो इनके साथ ही रहेगी। तो हमारे दोस्त मर्द हजरात जो इस रिश्ते के बहुत हमसे बात करना चाहते हैं वो ये बात सुन लें कि शादी के बाद जो है इनकी बेटी इनके साथ ही रहेगी। बेटी की उम्र जो है वो अभी जो है तकरीबन 3.5 साल है। तो वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जिनकी उम्र 45 साल तक हो, वो पहली या दूसरी शादी करना चाहते हों, तो बराए मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना मोबाइल नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे रब्ता कर लेंगे और अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता ज़रूर आप लोगों के लिए खुशियां लेकर आएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।